हेलो फ्रेंड्स, यमिक एजुकेशन न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात कर रहे हैं लगातार धरने प्रदर्शन जो चल रहा है आरपीएससी सेकंड ग्रेड रिजल्ट को लेकर। बेरोजगार सभी का अब सब्र टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि रिजल्ट नहीं निकाल रहे। तो सभी साथियों ने मिलकर अनशन की चेतावनी दी है। पूरी खबर को देखते हैं। ये खबर हालांकि मैंने सभी ग्रुपों में पहले से ही बता दी थी, और आप देख सकते हैं पूरी खबर को क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के परिणाम जारी करने की मांग करते सभी बेरोजगार साथी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को आमरण अनशन की चेतावनी भी दी है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से दिए जा रहे धरने में पिछले 2 सप्ताह से अभ्यर्थी परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। महासंघ के सदस्यों ने बताया कि शुक्रवार को सभी साथियों ने निर्णय लिया कि आरपीएससी प्रशासन यदि रविवार को यानी रविवार तक रोके गए सभी परिणाम जारी नहीं करता है तो सोमवार से धरना स्थल पर ही आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। सदस्यों ने कहा कि सकारात्मक परिणाम को लेकर हवन, दंडवत प्रणाम, दहेज नहीं लेने की शपथ सही सभी उपाय कर चुके हैं। ये न्यूज में कल ही बता चुका था। तो सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे जो साथी धरने स्थल पर धरना लगातार दे रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाएं, वहाँ पर पहुँचें, भीड़ को बढ़ाएं, ताकि आरपीएससी पर दबाव बने और जो बाकी बचे जो रिजल्ट हैं, जो 4 रिजल्ट शेष रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी आएं। क्योंकि साथियों, आप देख सकते हैं कि आरपीएससी इतना स्लो काम कर रही है कि एक एक सप्ते में एक एक रिजल्ट निकाल रही है। तो जब सभी सभी वहाँ पहुँचेंगे, भीड़ बढ़ेगी, सहयोग होगा, तो आरपीएससी पे जरूर दबाव बनेगा और एक्शन में आएगी और रिजल्ट जल्दी से जल्दी सभी सब्जेक्ट के जो बचे हुए हैं वो निकालेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।